विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में बात करें भारतीय जनता पार्टी की और बात करें रोहतास नगर विधानसभा की खासतौर से, तो यहां पे दावेदारों की कमी नहीं है। हमारे बीच में पूर्व निगम पार्षद रही संध्या दीक्षित जी हमारे बीच में है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव सबसे पहले? क्या कहना चाहूंगी, दिल्ली विधानसभा चुनाव सर पे है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मनोज तिवारी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या दिल्ली में तो केजरीवाल इस तरीके के नारे लग रहे हैं दिल्ली में? केजरीवाल कौन केजरीवाल, अब जबरदस्ती वो ऑटो के पीछे आई लव केजरीवाल लगा देगा जबरदस्ती, तो ऐसे थोड़ी ना केजरीवाल हो जाएगा। दिल्ली की जनता मोदी जी के कार्यों से खुश है जी। जो केंद्र के जो कदम उठाए जा रहे हैं जनता के हित के लिए, तो जनता बीजेपी को ही वोट देगी और हमारी एक वोट 3 वोट के बराबर होगी। केंद्र में सरकार होगी, निगम में सरकार होगी, दिल्ली में सरकार होगी, तो देखिए दिल्ली में कितने विकास की लहर आएगी। हम फ्री कुछ नहीं देंगे लेकिन सुविधाएं बहुत देंगे। मतलब ये तय है कि फ्री नहीं मिलेगा, ना बिजली ना पानी ना सेवा। फ्री अगर होता तो इतने सालों से जो सरकारें आ रही हैं वो भी दे सकती थी ना। ये फ्री केवल एक जुमला है, फ्री एक दुनिया इसको दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला है। और फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता है। अगर फ्री हम करेंगे तो हम गरीबों की हेल्थ, गरीबों की शिक्षा के बारे में सोचेंगे, वरना जो सुविधाएं, जन सुविधाएं जो चाहिए दिल्ली को, जो अब तक नहीं मिली है। 4.5 साल तो आप चुप बैठे रहे, LG ने नहीं काम करने दिया आपको, किसी ने भी काम नहीं करने दिया, न मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। ऐसे तुरंत क्या हुआ अभी इलेक्शन आते कि आपको सबने काम दे दिया? तो इसका मतलब मोदी जी को और LG का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको देखो अब छूट दे दी, अब आप काम कर रहे हैं। संध्या जी, वहीं बात करें टिकट की, तो टिकट की दौड़ में क्या आप भी हैं रोहतास नगर विधानसभा? देखो टिकट की दौड़ में मैं नहीं हूँ, पर मैं भी हो सकती हूँ क्योंकि मैं मांग रहे हैं टिकट। नहीं, मैं मांग नहीं रही हूँ, ये पार्टी तय करेगी। बहुत लोग मांग रहे हैं टिकट, तो एक ही को मिलेगी। लेकिन मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैं भी हो सकती हूँ कि मैं उस टाइम में काउंसलर रही हूँ जब आधी विधानसभा एक नगर निगम के अंडर हुआ करती थी। मुझे प्रशासन की भी समझ है, मुझे संगठन की भी समझ है, और लगातार उसके बाद मैं कभी टिकट मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने कभी पार्टी के अंगेंस्ट नहीं गई। लेकिन मैडम, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो इस लोकसभा के अंदर आज तक के इतिहास में महिला को शायद टिकट नहीं मिला। और हम टिकट में नहीं, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम अपने विचारधारा से जुड़े, इसलिए हम भाजपा के साथ हैं। क्या आपको लगता है महिलाओं को टिकट देगी भाजपा? महिलाओं को देनी चाहिए इस लोकसभा में, देनी चाहिए। मनोज जी आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत आशाएं हैं उनको, कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत आशाएं हैं, और वो कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान भी करते हैं और महिलाओं का भी बहुत मान सम्मान करते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर दूसरी पार्टी महिलाओं पर विश्वास जता सकती है तो भाजपा क्यों नहीं जता सकती? बिल्कुल ठीक, क्यों नहीं जता सकती विश्वास? भाजपा में एक से एक धुरंधर महिला है जिसमें मैं भी हूँ। जी जी जी, आप धुरंधर मान रहे हैं आपको? क्योंकि नहीं, मैं प्रशासन में रह चुकी हूँ, पब्लिक के बीच की महिला हूँ, काम किया और हमेशा काम किया है, और पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं भी दावेदार हूँ। संध्या जी, बात करें रोहतास नगर विधानसभा की, आम आदमी पार्टी से मौजूदा जो विधायक है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में कुछ कहने को ही नहीं है, केवल एक लाइन है, नथिंग, कुछ नहीं किया, क्षेत्र में आई नहीं, लोग पहचानते नहीं है, तो क्या बोले जी? कोई काम, एक काम में अगर गिनाऊं उन्होंने कुछ किया हो तो मैं एक काम गिनाऊं, वरना उन्होंने कुछ नहीं किया। महिला हैं और मैं भी महिला हूं, मैं महिला के नाते ज़्यादा विरोध करना नहीं चाहती, पर एक लाइन में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो नकारा पार्षद रही हैं और उन पर विधायक, सॉरी, और उन पर एलिगेशन भी लगे हैं। मैडम, 14 विधायक जो भ्रष्ट थे उनमें सरिता सिंह जी का नाम था। मैडम, वही बात करें दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट देखते हुए नजर आ रहा है कि उन्होंने PK का हाथ थाम लिया है, प्रशांत किशोर। देखिए प्रशांत किशोर का हाथ थामा या नहीं थामा जी, लेकिन आज जो दिल्ली में हो रहा है, बसें फूंकी जा रही हैं, अराजकता का माहौल है। क्यों? मोदी जी ने देश के किसी नागरिक को नहीं छेड़ा है, जी, जी। आप उनको उकसा रहे हो, आप इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हो, इंडिया को आप पाकिस्तान को समर्थन देते हो, तो ये केजरीवाल की जो गंदी नीति है ये जनता को, पब्लिक को समझ आ रही है। और उनका ग्राफ था ही नहीं वैसे तो, बिल्कुल, पर जो भी था वो गिरता चला जा रहा है। 22 तारीख को आप रामलीला मैदान के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाले हैं मोदी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जो
अनऑथराइज कॉलोनीज को जो मालिकाना हक दिया है, जिसका केजरीवाल मजाक ही उड़ाते रह गए और कर कुछ नहीं पाए, और मोदी जी ने करके दिखाया, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल कह रहे हैं कि रजिस्ट्री दो, रजिस्ट्री भी होगी, रजिस्ट्री के हमारे 40 के करीब काउंटर खुल चुके हैं, रजिस्ट्री भी मिलेगी, मालिकाना हक भी मिलेगा, और हम सब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिल्ली की जनता ही जा रही है मोदी जी का धन्यवाद करने कि मोदी जी आपने ऐसा काम किया जो गरीब ना किराए पे था ना अपना था, उसको समझ नहीं आता था, आज उसके घर की रजिस्ट्री हो जाएगी, तो कम से कम उसको बेटी पढ़ानी है, बेटी का ब्याह करना है, उसको गिरवी रख के कुछ कर तो सकता है, तो हम मोदी जी का धन्यवाद करने 22 तारीख को रामलीला मैदान जा रहे हैं। और आपके भारत टीवी के माध्यम से मैं सब लोगों से आह्वान करना चाहती हूँ कि आप सब लोग घर से निकल के आइए, ज़्यादा संख्या में मोदी जी का धन्यवाद करने पहुँचिए, और अभी तो देखिए ये जंग अभी जारी है, अभी तो लड़ाई और अभी तो जी। अभी तो हमें बहुत अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे आगे और लड़ाई है, मोदी जी ने बहुत सोच रखा है दिल्ली की जनता के बारे में।